गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल का महीना चल रहा था तो हमने आपको अप्रैल फूल बनाया है, ठीक है? अब आप जाओ। और मेरे से बात मत कर देना, आ मत जाना घर में, ना घर से बाहर निकाल दूंगी, और खाना खा के देखना तुम मेरे, निकल जाओ मेरे घर से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ ड्यूटी पे और मेरी ड्यूटी कुछ ही समय में ख़त्म होने वाली है, तो फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल घर आ चुके हैं और अभी देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, अपन करते हैं एक फ्रैंक। तो क्या है कि हमारी जो वाइफ है वो बहुत समय से, मतलब कि क्या बोलते हैं, उनके मायके नहीं गई है। तो अपन फ्रैंक करते हैं उनके साथ और उनको बोलते हैं कि हमने तुम्हारा टिकट करवा दिया है, आप अपना सामान वगैरह जाके निकलो, मतलब जाओ, हम तुम्हें छोड़ने चलते हैं और देखते हैं फिर कि क्या रिएक्शन रहता है। मोटे, देखो तेरे घर जाना है क्या? पर तुम्हारे मन में कैसे आ गया मेरे को भेजने की अचानक से? अरे भैया, मैं देख रहा हूँ कि इतने दिन से यार तू गई नहीं है यार, तो मैंने बोला, सोचा कि तेरा भी मन होता होगा यार जाने के लिए। मन तो बहुत होता है पर तुम भेजते ही नहीं हो, तो तेरे लिए फिर सरप्राइज है। क्या अब्बास है? उल्लू मत बना देना हमेशा की तरह, उल्लू बनाते रहते हो। अरे पागल, मैंने तेरे लिए परसों का टिकट करवा दिया है, पर मेरा यार इस बात से थोड़ा सा मन घबरा रहा है कि ये तेरे बिना ये इन लोगों का क्या होगा। देख, रुक जा, ये बालिकों को ये बच्चों का क्या क्या होगा यार। ट्रेन तो फिर कैंसिल करा दो, मैं नहीं जाती। पर अब ये पॉसिबल नहीं है ना यार, क्योंकि मैंने परसों का टिकट करवा दिया है गलती से। ट्रेन तो यार फिर तुम्हारे लिए खाने पीने की टेंशन है, मेरे बच्चों को भी कौन संभालेगा फिर। अब टिकट के पैसे बर्बाद चले जाएंगे, अब मत दिमाग खराब करना। तो जा, पक्का सामान पैक कर लूँ ना, कहीं पागल मत बना देना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल पहले फुर्सत में जान कर लेना, अगर झूठ बोलो ना मैं घर छोड़ के चल जाऊंगी, बात भी नहीं करूंगी यहाँ। बिल्कुल ठीक है ना, पक्का है ना? हाँ चलो, मैं कॉल करवा के है ना जल्दी से सामान पैक कर लेती हूँ, और तुमको क्या क्या बना के देना बना के चल जाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। फिर कितने दिन के लिए भेज रहे? ज्यादा नहीं है ना, 4-5 दिन के लिए बस। अरे यार, 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, उनको काट के, उनको काट के, उनको काट के। चलो थैंक यू। देखते हैं दोस्तों, बात तो हो चुकी है और अपन फिर रिएक्शन देखते हैं कि क्या कहना रहता है। डर तो ये लग रहा है कि कहीं ज्यादा नाराज ना हो जाए, है ना? देखते हैं आगे की क्या सिचुएशन रहती है, फिर आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अपन देख सकते हैं वो है पीछे और चलते हैं उनसे बात करते हैं और क्या रिएक्शन रहता है, देखते हैं जल्दी से चलकर। अच्छा सुनो, ये वाला पर्स लेके जाओ वहाँ पे जयपुर, क्योंकि आपने दिलाया था और नया पर्स भी रहेगा। तो ये कोई घर के लिए थोड़ी दिलाया मैंने। अरे तो मैं रिश्तेदारों के यहाँ जाऊंगी तो क्या पुराना पर्स लेके जाऊंगी? मैंने सोचा कि एक ये वाला पर्स ले लेती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है और सबको अच्छा भी लगेगा, और मैं सोच रही हूँ 8-10 साड़ियाँ रख लेती हूँ, क्या बोलते हैं? और मैंने ना अभी क्या बोल, मेरा ना ऐसा मन कर रहा था कि मैंने ये वाली साड़ी पहन के जाऊंगी। कौन सी साड़ी पहन के जाऊंगी, ये वाली अच्छी लगेगी क्या? एक काम करो, कोई टिकट टिकट नहीं हो रहा है, सारी चीजें रख दो और वापस जैसा निकाला ना वैसा रख दो जल्दी, सब कोई कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहना है, ठीक है? मेरा दिमाग मत खराब करना है ना, मैं घर से निकाल दूंगी मैं। मेरे को मालूम नहीं है, अगर मेरे को नहीं भेजा ना तुम्हारा मेरा रिश्ता भी खत्म, और मैं तुम्हारे से कभी बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी मालूम है ये अभी कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? चल रहा है अप्रैल। और मेरी बात सुनो, ये वाला ले चलो, वहाँ पे सूट बहुत अच्छे सिलते, तो ये कुर्ता भी वहाँ सिलवा लूंगी। अरे मैंने क्या बोला मालूम है, अप्रैल का महीना चल रहा है अभी, क्या होता है इस महीने में मालूम है? कुछ नहीं मालूम है। मालूम है, अपनी शादी की एनिवर्सरी अप्रैल में। नहीं नहीं नहीं, अप्रैल फूल बनाया है, बात समझ में? मतलब आप... तो को नहीं भेजोगे?
हाँ, तो आपको अब गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल का महीना चल रहा था तो हमने आपको अप्रैल फूल बनाया है, ठीक है? अब आप जाओ। मैं मेरे से बात मत कर देना, आ मत जाना घर में, ना घर से बाहर निकाल दूंगी, और खाना खा के देखना तुम मेरे, निकल जाओ मेरे घर से। अरे रुक जा, मेरे से बात मत करो तुम। अरे रुक जा यार, मैंने बोल दिया ना मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं। अरे रुक जा यार, मेरे को नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े झूठे हो। क्यों? मैं बेचारी इतनी मन में लगा के मैंने मेरी माँ को भी फोन लगा दिया कि मैं परसों की मेरी टिकट हो गई, मैं पागल हूँ? तो कोई क्या मजाक भी नहीं कर सकता? मतलब ऐसा कोई मजाक करता है क्या मायके जाने का? तो फिर अप्रैल फूल बनना। 3 साल हो गए मुझे मेरे मायके जाए हुए, तो क्या हो गया? लोगों की वजह से कहीं भी नहीं जाती, मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये कूलर क्या चलाने की बात है? क्यों क्यों, ये कूलर भी चला रही है, कंबल भी ओढ़ रही है, मालूम है बिल कितना आएगा और कौन भरेगा बिल? मेरा बाप भरेगा। अब तुम चले जाओ, मेरे दिमाग पर खराब का नाम मत जाओ। यार ये क्या बात होती है यार, हैं? तुम निकल जाओ वैसे इस घर से, बस मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, पहले से इतना फुली हुई है और कितना फुलेंगी आप ही फ्रेंड्स कमेंट्स में जरा बताना। तो फ्रेंड्स अभी निकलते हैं बाहर, अभी थोड़ा सा आधा घंटा सो गए थे और फिर अब उठते हैं और निकलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स इन लोगों का पिंजरा आ गया था, कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा और अब इनके गर्दन फंसेंगी या नहीं फंसेंगी देखिएगा जरूर। तो फ्रेंड्स अब करते हैं एडिटिंग, और खाना पीना हो चुका था और फिर मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।